और घर में पेरेंट्स को भी बोलेंगे, पापा को बोलेंगे जी सीट बेल्ट पहन के ही निकलना है, ठीक है। आज हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया है सेफ्टी अवेयरनेस फैलाने के लिए, जो कि अलोहा ने ऑर्गेनाइज़ किया है। हम लोगों में सेफ जो ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि वो अपनी जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखें। जैसे अगर कोई व्हीकल चलाता है वो 18 प्लस होना चाहिए, या फिर जो कार चलाते हैं उनको सीट बेल्ट होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइसेंस होनी चाहिए, और जो स्कूटीज़ बाइक्स चलाते हैं उनको भी अपना ध्यान चाहिए कि वो हेलमेट पहने और जो बाकी चीज़ें वो नेसेसरी हो, और अपनी जो अपनी लाइफ का ध्यान रखें। Driving in a car, you must make sure not to use your phone because that can cause accidents. If you're on a bike or on a scooty, you have to wear a helmet. And lastly, you must obey the traffic rules. If the traffic police are telling you something to obey, you must obey that. Thank you. आज एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस ड्राइव हमने कंडक्ट की यहाँ पे एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर के ऑफिस के बाहर, और उनके अमले ने भी हमें इश्तराक दिया और उन्होंने हमारे बच्चों को ये बावर करवाया कि सड़क के क्या कवायद जवाबित हैं, अगर आप पेडिस्ट्रियंस हैं आपको सड़क पे कैसे चलना है, अगर आप व्हीकल ओनर हैं आपको सड़क पे कैसे चलना है, और किस तरह से आप अपनी और दूसरों की सेफ्टी जो है इंश्योर कर सकते हैं। यही बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, कल को यही पढ़ लिख कर सोसाइटी में आएंगे, अपना रोल निभाएंगे, तो इनको पता होना चाहिए कि हमें सड़क पर कैसे चलना है। हम आए दिन एक्सीडेंट्स की खबरें सुनते रहते हैं, वायलेशंस खिलाफ वर्जियों की खबरें सुनते रहते हैं, तो जितना हम इनमें अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और इनको जानकारी देंगे उतना ये वायलेशंस कम होंगी और ट्रैफिक निज़ाम जो है वो स्मूथ रहेगा।